डायग्राम देख के तो लग ही रहा होगा कि आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सो टुडे इज आवर टॉपिक इज मूवमेंट्स इन एनिमल। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम होती क्या है और क्या उसके टाइप है। मेनली हम फोकस करेंगे ह्यूमन स्केलेटल पे। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि स्केलेटल सिस्टम के क्या टाइप्स है। जो टर्टल है, टॉर्टोइज है, जो मॉस्किटो है, उसमें कौन सी स्केलेटल सिस्टम होती है? क्या उनकी और हमारी स्केलेटल सिस्टम एक जैसी है? टेल मी। नो, ऑब्वियसली नॉट। अगर मच्छर आ जाता है यहाँ पे, काटता है मच्छर, तो आप ऐसे उसको ऐसे करते हो, ओके? तो वो जो प्रिंट होती है पूरी मच्छर की छप जाती है ऐसे, तो और वो भाग जाता है मच्छर, मीन्स मारने के बाद भी भाग जाता है। तो अगर आप जोर से नहीं मारते, अगर पिचक गया तो फिर पिचक गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम हर्ट नहीं कर पाते उस मच्छर को, क्योंकि उसका स्केलेटल आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। हाँ, आप जोर से मारोगे मर जाएगा वो, ऐसे नहीं है कि मरेगा नहीं, ठीक है, मर जाएगा मच्छर। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं, मेन बात क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में आउटर स्केलेटल प्रेजेंट होता है और उसे हम एक्सोस्केलेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटल। और जो स्केलेटल बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारा स्केलेटल है, ओके, जैसे कि मैमल्स का स्केलेटल होता है, डॉग्स का ले लो, कैट का ले लो, ओके, एलिफेंट, फिश, सो इनका जो स्केलेटल होगा वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर स्किन होगी, मसल्स होंगी, और फिर स्किन की एक ऐसी चद्दर सी होगी जिसे पूरा स्केलेटल सिस्टम जिसे ढक जाएगा, तो वो होता है एंडोस्केलेटल। एंडो मीन्स इन, अंदर वाला, और एक्सो मीन्स बाहर वाला, ठीक है। एक्सोस्केलेटल बाहर से प्रेजेंट होने वाला स्केलेटल, और एंडोस्केलेटल मीन्स अंदर प्रेजेंट रहने वाला स्केलेटल, ओके। ये दो तरह के स्केलेटल होते हैं। अब सीखते हैं कि स्केलेटल क्या है एक्चुअली। तो इसको पहले हम डिटेल में जाने से पहले मुझे ये बात बताओ कि स्केलेटल होता क्यों है और क्या स्केलेटल का यूज है, ओके। अगर स्केलेटल बनाया है हमारी बॉडी के अंदर, तो मेनली उसका कुछ फंक्शन होगा, डेफिनेटली उसका कुछ यूज होगा। देखो, सोचो, अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर बोन्स नहीं होती तो आर बॉडी विल बी लाइक अर्थवर्म्स, ओके। जैसे अर्थवर्म में स्केलेटल नहीं होता, बोन्स नहीं होती, सो दे आर लाइक जेली, ओके, जेली जैसे लगते हम, जैसे हमने जान ही नहीं होती, ऐसे ऐसे चद्दर जैसे झटक जाते हैं, तो उसे झटकते थे हम, है ना, तो ऐसे हमारी बॉडी होती थी। लेकिन जो स्केलेटल सिस्टम है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो ये फंक्शंस किसके है, स्केलेटल सिस्टम के। तो आज हम सीखेंगे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये बात बताओ मुझको कि जो टॉर्टोइज या फिर टर्टल है, इसके अंदर कौन सा स्केलेटल होता है, इसके अंदर कौन सा, दोनों तरह का स्केलेटल होता है। देखो, जो टॉर्टोइज होता है उसकी जो शेल होती है, उसकी शेल किसमें आएगी, आउटर स्केलेटल, दैट इज एक्सोस्केलेटल में। और जो उसकी नेक पार्ट, जिसका हेड पार्ट और उसके लेग्स और उसके जो भी लिम्स है वो बाहर निकल आते हैं, उसकी पूंछ भी होती है, तो वो जो पूरे पार्ट्स बाहर निकल आते हैं उसमें भी बोन्स होती है, तो वो इंडोस्केलेटल होता है। तो टर्टल इज द एनिमल विच इज हैविंग बोथ द स्केलेटल सिस्टम, एंडो एंड एक्सो बोथ। समझ में आया, ठीक है। तो चलो चलते हैं ह्यूमन स्केलेटल की तरफ, कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन है, कैसी बोन्स है, कितनी बोन्स है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर। देखो, मेनली हमारी, हम स्टार्ट करते हैं स्कल से। इसे क्या कहते हैं, हम स्कल, ओके, इसे कहेंगे हम स्कल। अब देखो, जो स्कल है, ऐसे मैंने तो ऐसे ही बनाया है, लेकिन देखो स्कल में टोटल 22 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स। और जो स्कल का मेन पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स क्या होता है, क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रेनियम, ओके। इसमें टोटल 8 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है। ऐसी फ्रंट बोन होगी, ऐसे बीच में होंगी, और एक पीछे से बोन्स होती है, तो ऐसे 8 बोन्स मिला के ब्रेन बॉक्स बनाते हैं, जिससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। और इस ब्रेन बॉक्स में सारी की सारी जो जॉइंट्स होती है वो इमूवेबल होती है, समझे हो, ओके। तो हमारे ब्रेन में एक क्रेनियम, ओके, क्रेनियम नाम का पार्ट है, जिसमें टोटल 8 बोन्स होती है स्कल में, ओके, और
ऐसे नहीं, स्कल में 22 बोन्स होती है, लेकिन स्कल का जो क्रेनियम पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स ऑल्सो, उसमें 8 बोन्स होती है। नहीं तो बोलोगे मैम ने 8 बोन्स बोली है, नहीं 22, और 8 बोन्स किसमें है, क्रेनियम में, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्रेनियम में 8 बोन्स होगी, अब इधर से हमारा ये जो फेशियल रीजन है यहाँ पे फेशियल बोन्स होगी और यहाँ पे आता है ये जॉ बोन, ओके। अब हमारे पूरे स्कल में जो जॉ बोन है यहाँ पे जो आता है, ओके, ये वाला जो है ये जॉ बोन है, और इट इज द ओनली बोन इन द स्कल विच इज मूवेबल। क्या होता है, मूवेबल है, बाकी सारे जो बोन्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट से अटैच है, लेकिन जो ये है ये वाला जो बोन है जिसे हम लोअर जॉ कहते हैं वो क्या है, मूवेबल है। इसी की वजह से हम बोल पाते हैं, इसी की वजह से हम खाना खा सकते हैं, ओके, क्योंकि वो मूवेबल है। अगर मूवेबल नहीं होता तो फिर ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए द विच बोन इन द स्कल इज मूवेबल, सो व्हाट इज योर आंसर, द लोअर जॉ। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लोअर जॉ, क्या होता है लोअर जॉ का दूसरा नाम, आप कमेंट में बताओ अभी के अभी, अगर नहीं आया तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि स्कल के बाद यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, ओके, वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें वर्टिब्रे होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिब्रे, ओके, एक को वर्टिब्रे कहेंगे और वर्टिब्रा कहेंगे पूरे इसको। वर्टिब्रा क्या है, प्लूरल, और वर्टिब्रे क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अब टोटल कितने होते हैं वर्टिब्रे, 33 वर्टिब्रे होते हैं, कितने होते हैं, 33 वर्टिब्रे होते हैं, और वो एकदम। अब देखो यहाँ पे जो स्केलेटल सिस्टम है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, एक तो होगा एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल मींस इसके एक अलोंग एक्सिस ले लेंगे ये ऐसा, और ये पूरे एक्सिस में देखेंगे कि कौन से पार्ट्स आते हैं, तो ये एक्सिस में क्या आएगा, स्कल आएगा, वर्टिब्रा आएगा और रिबकेज आएगी, ठीक है। तो ये वाले स्केलेटल को क्या कहेंगे हम, एक्सियल स्केलेटल, कौन सा स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल। हमारा पेरिफेरल स्केलेटल है उसमें हमारे लिम्स आ जाएंगे, ये देखो ये फोर लिम्स और ये हिंड लिम्स, हम हमारे पैरों को क्या कहते हैं, हिंड लिम्स कहते हैं, और हमारे हाथों को फोर लिम्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो हिंड लिम्स और फोर लिम्स में हमारी पूरी बॉडी की 206 बोन्स होती है एक एडल्ट में। हम जब बॉर्न होता है, जब हम एकदम न्यू बॉर्न बेबी को अगर एग्जामिन करेंगे, न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स पाई जाती है, न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स। लेकिन जब आप अभी बच्चे हो, आप अभी खेल कूद रहे हो, आप जब फिफ्थ सिक्स में होंगे तब आपकी बॉडी में 208 बोन्स होंगी, कितनी, 208। एंड जब आप एडल्ट हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरी बॉडी में 206 बोन्स होंगी, ओके, जो हमारे दादा दादी है उनकी बॉडी में भी 206 बोन्स होंगी। तो ये बोन्स जाती कहाँ पे है, देखो बोन्स जो होती है वो जाती कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ना बोन्स एकदम फ्रैक्शंस में होंगी, वो आगे चल के जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो जुड़ती जाती है, और इसीलिए नंबर ऑफ बोन्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझे हो। जैसे कि आप न्यू बॉर्न बेबी को देखो तो वो हमारे जैसी ऐसी नेक ऐसे टाइट नहीं रख सकता, ऐसे इधर उधर हिलती डुलती रहेगी उसकी नेक, क्यों, क्योंकि उसकी बोन में, उसके यहाँ की बोन में वो स्टिफनेस नहीं है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, वो फ्रैक्शंस में होगी, पार्ट्स में होगी, तो उसमें वो हार्डनेस और जितनी चाहिए वो बोन उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े हैं तो वो स्ट्रेट नहीं रख पाएगा उसको, समझे हो इसको, ठीक है। अब देखो हमारी बॉडी में तो जब हम बॉर्न होते हैं तब 300, न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स, अभी आप बच्चे हो, ओके, तो 10-12 इयर्स के बच्चों में 208 बोन्स पाई जाएंगी, और जो एडल्ट होते हैं उनमें 206 बोन पाई जाएंगे, ठीक है। अब देखो बोन्स को डिवाइड करने का कैसे, यहाँ पे एक्सियल स्केलेटल जो होता है उसमें टोटल 80 बोन्स होती है, कितनी बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटल में, 80 बोन्स होती है। जो स्कल है, स्कल, बैकबोन और ये रिब केज और स्टर्नम को मिला के ये 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटल में आएंगी, ठीक है। और जो हमारी पेरिफेरल स्केलेटल है इसमें आ गए हमारे लिम्स, तो हमारे लिम्स कंटेन करते हैं
126 बोन्स, कितने 126 बोन्स। अब उसमें से अगर मोटा मोटा तौर पर हम देख ले तो एक एक लिंब में हमारे 30-30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं एक लिंब में? 30 बोन्स होते हैं। तो 34 जा कितना होगा? 120, दैट इज 34 जा 120। ठीक है, अब ये 120 बोन्स तो आ गए लिम्स में, और ये अटैच होने के लिए जो लगते हैं ना ये बोन्स, ओके शोल्डर ब्लेड वगैरह, तो इनसे यहाँ पे पहले गर्डल वगैरह ये अगर काउंट कर ले हम, तो इनमें ये 6 बोन्स लग जाती है। और तो ऐसे 120 बोन किस में होते हैं? 126 बोन्स किस में होते हैं? हमारे लिम्स में होते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टर्नम क्या होगा? स्टर्नम होगा हमारे चेस्ट बोन का पार्ट, जहां पे हमारी रिबकेज अटैच रहती है। ये जो रिबकेज है यहाँ पे अटैच रहती है, और पीछे से जाके वो बैकबोन को अटैच होंगी। ऐसे जाके वो क्या बनाएंगी? एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसमें हमारा हार्ट और हमारी लंग बड़े ही महफूज तरीके से उन्होंने रखी हुई है नेचर ने। ओके, अब देखो ये हो गया। अब इस रिबकेज में टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है। कितनी? 12 पेयर्स होती है, मतलब कि पेयर मतलब दो। अगर 12 पेयर है तो टोटल बोन्स कितनी हुई? टोटल बोन होती है 24। कितनी बोन्स होती है टोटल? 24 बोन्स होती है। ठीक है, अब देखो इसमें से ये जो लास्ट की बोन है ना, लास्ट की टू पेयर्स जो होती है, लास्ट की टू पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स कही जाती है उनको। क्या कहा जाता है उनको? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो पीछे से सिर्फ बैकबोन को अटैच होती है और आगे से रिबकेज को अटैच नहीं होती है, जिसके हम ऐसे झुक सकते हैं। तो अगर वो यहाँ पे भी अटैच रहती तो वो बीच में आ जाती थी। ठीक है, तो एक पीछे से है, आगे से अटैच नहीं है, स्टर्नम को अटैच नहीं है, फ्लोटिंग बोन पीछे से बैकबोन को अटैच है। ओके, अब यहाँ पे ये बैकबोन यहाँ पे आ गई कि टोटल कितने वर्टिब्रेज होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितने वर्टिब्रेज होते हैं, आप कमेंट करके बताओ मुझे टोटल कितने वर्टिब्रेज होते हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल को अटैच है हमारा हिंड लिम्ब। अब हिंड लिम्ब में ये जो बोन है ना, इसे कहते हैं फीमर। क्या कहेंगे इसे? फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो फीमर होती है वो सबसे लंबी बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो इसे थाई बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये थाई में प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसीलिए आपकी बॉडी की सबसे लंबी बोन, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी? फीमर बोन, दैट इज द थाई बोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फीमर, और फीमर के नीचे यहाँ पे हमारा जो फोर लिंब होगा, आपके नीज के नीचे जो बोन्स होती है उसमें टू बोन्स होंगी, एक होती है टीबिया और एक होती है फिब्यूला। अब देखो जो फिब्यूला होती है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, और टीबिया जो होती है वो छोटी होती है। सेम थिंग हैपेंस इन द हैंड। ओके, हैंड में भी देखो कि ऊपर में जो फोर आर्म होगा आपका, ये जो फोर आर्म है इसमें सिंगल बोन होती है, और यहाँ पे जो आपका क्या है, एल्बो है, एल्बो के आगे से, एल्बो के आगे से रिस्ट तक के दो बोन्स पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से यहाँ तक एक बोन है, उसका नाम है ह्यूमेरस। ओके, और यहाँ पे वो कहाँ पे अटैच होंगी? एल्बोस पे। एल्बोस पे रेडियस एंड अल्ना होती है, अल्ना एक छोटी होती है एज कम्पेयर टू रेडियस, रेडियस थोड़ी सी बड़ी होती है, और वो रिस्ट तक के होती है। ठीक है, अब देखो हमारी रिस्ट में यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती है, जो कि ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट्स से अटैच रहती है। हम जॉइंट्स नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो और यहाँ पे होते हैं फैलेंजेस। क्या कहते हैं इन बोन्स को? फैलेंजेस। जो हमारी फिंगर में होते हैं बोन्स उनको हम फैलेंजेस कहेंगे। हमारे लेग्स में भी फिंगर है उनको भी फैलेंजेस कहते हैं, और हमारे हैंड्स में जो फिंगर है उनके भी बोन्स को फैलेंजेस ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टोटल हमने मोटा मोटा सीख लिया कि स्केलेटल सिस्टम आखिर में होती क्या है और क्या इसके पार्ट्स है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जॉइंट्स कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, योर सिंगल लाइक विल मोटिवेट मी अलॉट। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, सो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।
हैं, क्योंकि ऐसी और वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड वन मोर थिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट द बेनिफिट। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय एंड डू स्टडी वेल।